अस्सलाम वालेकुम। और सब ठीक है? आज का मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम जी, सब बढ़िया है। और आप सुनाएं क्या चल रहा है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौसम है आज का। वैसे अकरम भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं आजकल, काफ़ी दिन का काम कर रहे हैं वो। अल्लाह उनको इसका अजर ज़रूर देगा इंशाल्लाह, ये बात तो माननी पड़ेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा दीन का काम करते हैं अकरम भाई, काफ़ी नॉलेज है उन्हें इन दीन के मामले में। तो आ गए अकरम भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। और सब ठीक है ना? और क्या चल रहा है? ऐसा है, चलो आज घर चलकर बात करते हैं। घर पे बैठ भी जाएंगे और इस बहाने आप घर भी देख लेंगे हमारा। बेटा ये बंद करना, देखें कुछ मेहमान आए हैं हमारे घर पर। माशाल्लाह घर काफ़ी अच्छा है आपका, अल्लाह का शुक्र है शुएब भाई। असल घर तो आखिरत का घर है, जो उस दिन जहन्नम की आग से बचा लिया गया वही कामयाब है, और जो उस दिन जहन्नम की आग में डाल दिया गया वही नाकामयाब है। हमें तो अल्लाह ने बस इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि ताकि हम अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह का दीन इस दुनिया में गालिब करें। इसकी जिद्दोजहद जो करेगा वही जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और मेरे दोस्त कासिम को हिदायत दे, आमीन। और माँ बाप का यह हक है कि वो अपने बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दे और उन्हें नमाज सिखाए ताकि वो सही तरीके से नमाज पढ़ें और उन्हें दीन ज़्यादा से ज़्यादा सिखाए बच्चों को।